तो उस मंत्री को मंत्रिपरिषद से बर्खास्त करें। अरे इनके कारनामे इतने बड़े थे कि इनको प्रदेशाध्यक्ष से भी बर्खास्त किया था, है ना, मंत्री पद से भी बर्खास्त किया और प्रदेशाध्यक्ष के पद से भी बर्खास्त किया था। तो उस तरह के कारनामे हमारे नहीं है, हमारा साफ सुथरा काम है। देखिए जहाँ तक डॉक्टर बिंदल जी की बात है, पहले तो मैं एक स्पष्ट करना चाहता हूँ कि जो वो कह रहे हैं बिंदल साहब, जिस तरह से मेरे बयान को तोड़ मरोड़ करके जो है वो पेश करने की कोशिश कर रहे हैं, मैंने ऐसा कहीं नहीं कहा कि आप सरकार के साथ खड़े नहीं होंगे तो आपकी जो है वो पेंशन और भत्ते जो है वो उसमें कटौती करी जाएगी, और दूसरा कि अगर कांग्रेस पार्टी के साथ नहीं खड़े हुए तब भी आपकी वेतन भत्तों में कटौती की जाएगी। मैंने ये कहा था कि अगर प्रदेश की वित्तीय हालत को सुधारने के लिए आपने कांग्रेस सरकार का साथ नहीं दिया तो वित्तीय हालत और बिगड़ेंगे और उसका खामियाजा आपको भी भुगतना पड़ेगा, उसका नुकसान आपको भी होगा। तो दोनों चीज़ों में भारी अंतर है, है ना। सरकार के साथ खड़ा होना कोई गुनाह नहीं है। अगर हम हिमाचल प्रदेश के हित में, हिमाचल प्रदेश के वित्तीय स्थिति को सुधारने में सरकार के साथ खड़ा होने की अपील करते हैं तो मैं समझता हूँ कि ये राइट स्पिरिट में है और हमने सही बात जो है अपनी कही है। हमने कर्मचारी भाई बहनों से अनुरोध किया है और मुख्यमंत्री जी ने भी अनुरोध किया है। और दूसरा, जहाँ तक मंत्रिमंडल से हटाने की बात है, मैं डॉक्टर बिंदल जी से ये कहना चाहूँगा कि मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया आपकी तरह जिस वजह से आपको बीजेपी नेतृत्व ने बर्खास्त किया था, एक किस्म से इनको हटाया था, है ना। तो हमने ऐसा कोई कारनामा नहीं किया आपकी तरह। आपके कारनामों की काली चिट्ठी जनता के सामने, सब जानते हैं कि क्या क्या कारनामे आपने जो है स्वास्थ्य मंत्री रहते हुए खिलाए, है ना। और इनके कारनामे इतने बड़े थे कि इनको प्रदेशाध्यक्ष से भी बर्खास्त किया था, है ना, मंत्री पद से भी बर्खास्त किया और प्रदेशाध्यक्ष के पद से भी बर्खास्त किया था। तो उस तरह के कारनामे हमारे नहीं है, हमारा साफ सुथरा काम है। जो कहना है, जो मन में है, जो जन के जनता के हित में है, वो बात कहनी है और हमने वो कहने में हमें कोई गुरेज नहीं है। थैंक यू।